इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां एलएसी पर शांति को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां डैम चौक में भारत और चीन की पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई है और दोनों देशों की सेना की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। डिसएंगेजमेंट पूरी होने के बाद पेट्रोलिंग शुरू, डिपचोंग में एक से दो दिनों में पेट्रोलिंग शुरू होने की भी उम्मीद है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजर है, एक खास तस्वीर हमने कल दिवाली के मौके पर भी देखी, जहां पर शांति का बड़ा संदेश देते हुए ये तस्वीर सामने आई और एलएसी पर शांति को लेकर हुए इसी बड़े समझौते के तहत इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज ये है कि जैम चौक में अब भारत और चीन की पेट्रोलिंग की शुरुआत हो चुकी है और दोनों देशों की सेना की पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट पूरी होने के बाद पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। इस बारे में और जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू बताएं। जी देखिए सुरभि, आपको मैं बताना चाहूंगी कि 2020 के बाद से भारत और चाइना के बीच में पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से सहमति बनी और भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आपको बता दूं कि आज जिस तरह से हमारे आर्मी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि डैम चौक में भारत सेनाओं ने गश्त शुरू कर दी है, पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। वहीं अगर हम देवतांग की बात करें तो एक दो दिन में पेट्रोलिंग शुरू होने की उम्मीद है। और कल जिस तरीके से दिवाली थी, दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में अपने आप में कि जिस तरह से लगातार भारत और चीन दोनों ही फेस ऑफ की स्थिति में थे और डिसएंगेजमेंट नहीं हो पा रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स में हुई थी, उसके बाद से ही ये बड़ी खबर आई थी कि दोनों सेनाओं के बीच में आपसी रजामंदी हुई है और जहां जहां फ्रिक्शन पॉइंट थे वहां से, जिसमें खासतौर से देवतांग और डैम चौक का एरिया था, वहां से सेनाएं जो है पीछे हटी है और अब पेट्रोलिंग इन दोनों जगह पर धीरे धीरे करके शुरू होगी, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि अभी जो है डैम चौक में पेट्रोलिंग शुरू हो रही है और ये हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है, देवतांग में एक दो दिनों में, आने वाले एक दो दिनों के अंदर पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।